अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 4, जिसको चैप्टर 4 भी कहा जा सकता है, उसके टॉपिक नंबर 35 to 39 करेंगे। 35 जो है लास्ट वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर सके थे, तो इस वीडियो के अंदर हम उसको स्टार्ट से कवर करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है, पहली स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है प्रैक्टिस जनरलाइजिंग कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की हमने जो प्रैक्टिस लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ छोड़ी थी उसे कंटिन्यू करेंगे और 4.5 प्रैक्टिस करेंगे। जो इजी एंट्रीज होंगी वो हम छोड़ते जाएंगे, अभी कम्प्लेक्स एंट्री सिर्फ करेंगे। जी मशीन परचेज, पहली देखें मशीन परचेज फ्रॉम जॉर्डन इनकॉर्पोरेटेड। सिंपल एंट्री हम नहीं देखेंगे, इसको पहले काफी बार डिस्कस हो चुकी। मशीनरी लॉस्ट इन फायर एक्सीडेंट 2000। मशीन लॉ मतलब जब लॉस्ट वाला पहला केस आया तो इसको एक कम्प्लेक्स एंट्री समझ रहा है, तो हमारे लिए कम्प्लेक्स नहीं, इजी है बहुत। मशीनरी लॉस जब होगी तो हमने उसका एक लॉस बाय फायर अकाउंट बनाना है, और ये एक्सपेंस काउंट होगा क्योंकि लॉस हो गया तो डेबिट, आपका एक एसेट लॉस हो गया तो डेबिट होगा। एक्सपेंस अकाउंट इसको आपने कंसिडर करना है, और मशीनरी अकाउंट की जिसके अंदर एक एसेट आपका पड़ा हुआ है उसको क्रेडिट कर देना 20,000 से, क्योंकि उसमें कमी आ गई है। अच्छा जी, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक बहुत इजी है। कैश स्टोलन फ्रॉम बिजनेस इसको हम करते हैं। कैश स्टोलन भी आपका एक एक्सपेंस है, आपका एक एसेट चोरी हो गया है। एसेट को जब चोरी हो जाए, एसेट में कमी को हम डेबिट साइड पे, हमने एक्सपेंस हो गया हमारा, और इसको हमने एक्सपेंस की वजह से हमें डेबिट साइड पे शो करना है। और कैश अकाउंट खुद इटसेल्फ एक एसेट अकाउंट है, एसेट में जब कमी होती है तो हम क्रेडिट साइड पे शो करनी है। तो इस वजह से लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट होने की वजह से डेबिट पे एंट्री होगी, और कैश अकाउंट में कमी आने की वजह से क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। अगला हम देखते हैं, ओनर सोल्ड हिज सेविंग बॉन्ड्स ऑफ वैल्यू 30,000 एंड इन्वेस्टेड दैट मनी इन बिजनेस। देखिए ये बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ओनर ने अपने बॉन्ड्स बेचे। देखिए बिजनेस को इससे कोई कंसर्न नहीं होता आप पैसे कहां से लेके आए, चाहे चोरी करके आए, चाहे आपको कोई एसेट बेच के आए। आपने जब बिजनेस में लगाए तो बिजनेस उसको एक अमाउंट कंसिडर करना, तो इसको आप ऑनर सोल्ड इस सेविंग बॉन्ड इसको आप बिल्कुल परवाह ना करें, और आप 30,000 को देखें कि बस उसकी ये 30,000 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और कैश अकाउंट में क्योंकि आ रहे हैं, इजाफा हो रहा है कैश अकाउंट के अंदर, तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे। प्रॉफिट ऑन नोट बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक डिपॉजिट मीन के आपके बैंक के अंदर पैसे, एक अकाउंट जो होता है बैंक अकाउंट, ठीक है, वो उसका डिटेल तो आपके पास एक बुक के अंदर रखी होती है, आपने एक्चुअली पैसे बैंक के अंदर जमा होते हैं, उसके ऊपर आपको ना प्रॉफिट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, जैसे एनुअल प्रॉफिट मिलते हैं 12,000 का प्रॉफिट मिल गया, तो ये आपकी क्या है, तो ये आपका एक एसेट है, ठीक है, एसेट है, एक तरह की आपकी इनकम हो गई है, सही है। अच्छा अभी आपने क्या करना है, अभी ये पैसे आपके पास बैंक आप निकाल के तो लाते नहीं है, उसी अकाउंट में पड़े रहते हैं बैंक के पास, 12,000 पड़े रहते हैं। तो आपने करना क्या है, जो आपकी बैंक बुक है आपके पास, जिसके ऊपर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि आप मेरे पास बैंक में इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, उसके अंदर आपने 12,000 रुपए की एंट्री कर लेनी है डेबिट साइड पे, क्योंकि आपका एसेट एसेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट आपने इसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है, सही हो गया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन बैंक क्या है आपकी इनकम, जैसे मैंने आपको कहा इनकम, तो जब इनकम आती है तो क्रेडिट साइड पे ही एंट्री होती है, तो प्रॉफिट और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा क्योंकि एज ए इनकम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, रिसीव्ड कमीशन। अगर कमीशन जो 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 कमीशन वाले बिजनेस में है, जो वैसे आपको कमीशन आता है, कमीशन आपकी एक इनकम है, तो इनकम आपको पता है लाइबिलिटी अकाउंट होता है, और जब इजाफा होता है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होती है। तो कमीशन अकाउंट आपने अपने कमीशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे 10,000 की एंट्री करनी है। कैश अकाउंट के अंदर क्योंकि इजाफा हो रहा है 10,000, तो डेबिट साइड पे एंट्री करनी है। रेंट पे टू जमाल बाय चेक, आप देखें बैंक आपने जो रेंट पे किया वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, तो रेंट अकाउंट के अंदर आपने एक्सपेंस साइड पे 20,000 पे एंटर कर लेने, और चेक से 20,000 दिए आपने, कोई कैश अकाउंट से नहीं दिए कि कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए जी ये देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रेंट पे टू जमाल, तो आपने जो अकाउंट डेबिट करना है वो रेंट एक्सपेंस को करना, ना कि आपने आप ये करें कि जमाल सैलरी अकाउंट, ऐसे करके नहीं करना, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जब भी आप किसी को सैलरी पे करें तो रेंट एक्सपेंस या सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को करें, और ऐसे ना करें उस बंदे का नाम ना लिखें जिसको आप सैलरी या रेंट दे रहे हैं, ये बात हमने याद रखी। ये ITTR के अंदर भी लिखी जा रही है कि व्हेन अलाइनिंग एक्सपेंस एंड इनकम फॉर डेबिट एंड क्रेडिट नेवर यूज पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं, जैसे नाम कह रहा जमाल का या कोई कोई भी नाम लेके उसका कहना कि उसको सैलरी दे दी, उसको रेंट दे दिया, तो ऐसे नहीं करना आपने, आपने मेन जो अकाउंट है उसको करना है। यूज नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, वही वाले जो सैलरी अकाउंट और
जो एक्सपेंस अकाउंट वो आपके नॉमिनल अकाउंट है, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह एग्जांपल दे रहा है कि सैली पेड टू जॉन, स्टीव एंड जारा, तो आपने नेम्स के साथ नहीं लिखने के पे सैली पे सैली अकाउंट जॉन, सैली अकाउंट स्टीव, ऐसे नहीं करना। आपने जस्ट सैलरी अकाउंट को एक्सपेंस में कर देना है। रिसीव्ड कमीशन, जब कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो भी आपने ऐसे ही करना कि कमीशन अकाउंट एक ही इसको डेबिट क्रेडिट करते रहना है। आपने ये नहीं करना कि आप उनके अलग अलग अकाउंट बना के उसको डेबिट क्रेडिट करते रहें। ये आईटीटीआर का अगला है। एंड एनी इवेंट लॉस, जो भी लॉस होगा तो उसको एक्सपेंस कंसिडर कीजिएगा, जो भी प्रॉफिट एंड गेंस होगा उसको इनकम कंसिडर करना है। एक्सपेंस और इनकम बताने का मकसद है कि उसको फिर डेबिट और क्रेडिट पता चल जाता है किस साइड में एंट्री करनी है। कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज एंड विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। देखिए ऑफिस यूज होगा तो वो एक्सपेंस होगा विड्रॉल, और विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज होगा तो वो ड्राइंग होगी, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट से जाएगी। डीलिंग इन चेक अफेक्ट बैंक, मतलब जब भी चेक का नाम आए तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, ठीक है। आगे आगे है, अभी तक हमने एक जर्नल के ऊपर सारा कुछ कर रहे थे, सारी डिटेल्स एक जर्नल के ऊपर कर रहे थे, जैसे जर्नल जर्नल, ठीक है। अभी हमने सब डिवीजन ऑफ जर्नल करनी है, हमने चार पांच छह टाइप की जर्नल पढ़ेंगे, ठीक है। अब सब डिवीजन ऑफ जर्नल किस बेस पे कर रहे हैं, वो इस बेस पे है कि जर्नल की टाइप के कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो एक ही जर्नल, एक ही रजिस्टर रख लेते हैं जिसको जर्नल का नाम देते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट साइड पे एंट्री करते रहते हैं सारे अकाउंट्स की। लेकिन कि वो बड़े जो अकाउंट है उसमें परचेज सेल बहुत ज्यादा होते हैं, फिर सेल जितनी ज्यादा होती है फिर सेल रिटर्न वाले मामला भी होते हैं, परचेज होती है तो परचेज रिटर्न वाले मामला भी होते हैं। उसकी बेस के ऊपर क्रेडिट परचेज क्रेडिट से बहुत ज्यादा होती है तो डेटर और क्रेडिट अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर जर्नल यहाँ तक के अलग बनाए जाते हैं। अब जर्नल की टाइप देख लेते हैं। सेल जर्नल होगा जिसमें सिर्फ सेल्स इंटर होंगी, सेल्स भी कौन सी, क्रेडिट वाली, उधार वाली, कैश वाली नहीं, कैश वाली कैश बुक के अंदर इंटर होंगी, ठीक है। और परचेज जर्नल सिर्फ परचेज होगी उधार वाली। सेल रिटर्न, देखिए आपको आपने सेल की किसी को सामान बेचा, ठीक है, उसने आपको वापस भेज दिया, था भले उधार पे लेकिन उसको वापस भेज दिया, कुछ फॉल्टी था, कुछ नुकसान था, उसने वापस कर दिया, तो इसमें वो सिर्फ वो होगा परचेज आपने खुद की, आपको सामान अच्छा नहीं लगा आपने वापस कर दिया। कैश बुक और कैश जर्नल और कैश रजिस्टर, कैश 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 सेल के लिए, ठीक है, याद रखिए। तो पांच तरह के हमने जर्नल देख लिए कि जो अभी एक से हमें ये भी पता चल गया जो हमारा कैश बुक है वो एक कैश जर्नल है, ठीक है। जब भी कैश बुक का जिक्र आए तो आप समझ लीजिए कि हमारा कैश जर्नल है। जनरल जनरल वही हो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे मजीद हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। जनरल इज आज टर्म डे बुक, मतलब डेली बेसिस पे जिसमें डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं, आज की जैसे इंट्री हो आज की जिसमें जो कर रहे हैं उसको जनरल कहा जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जनरल और डे बुक। अच्छा अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने देखा, क्रेडिट के चार हमने जनरल पढ़े, सेल के, सेल रिटर्न के, परचेज का, परचेज रिटर्न का, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश वाली, अदर इवेंट्स एंड कंडीशन जनरल जनरल के अंदर हम एंटर करेंगे। अच्छा सेल जनरल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सेल जनरल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर सिर्फ सिर्फ हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो उधार पे दी हुई है वो एंटर करनी है। देखिए यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ कि कैश वाली बिल्कुल इसमें एंटर नहीं करनी, ठीक हो गया जी। अच्छा और अभी फॉर्मेट इसका देखें कि सेल्स, वैसे हमने जनरल का फॉर्मेट देखे उसके डेबिट क्रेडिट दोनों दो साइडें होती हैं, लेकिन सेल्स जनरल जो क्रेडिट के जो जनरल होंगे उसके अंदर एक ही कॉलम होगा, उसके अंदर एंट्रीज करते रहेंगे, सिंपली सीधी सीधी एंट्री कर देंगे। जैसे जी अब ये देख क्रेडिट सेल, क्रेडिट सारी क्रेडिट सेल है और आपने नेल्सन के आगे ये नाम लिखे ना, तो ऐसे करके सेल्स रिटर्न सेल्स में ऐसे नाम होते हैं सारे के सारे, ठीक हो गया, ऐसे नाम और उसके आगे हम लिख लेते हैं। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में अभी ऐसे लिखते हैं कि अगर किसी को उधार दिए तो हम कहते हैं नेल्सन इतने का ले गया, इतने का उधार ले गया सारा। अब ये देखें कि इसमें डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जब हमने पहले एक बार कह दिया कि सेल्स जनरल सिर्फ हमने उधार के लिए है तो डेबिट क्रेडिट वाला तो मामला खत्म हो गया। हाँ मतलब जब इनको हम अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, लेजर अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, वहां पर डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज हमने कहाँ करनी है वो देखने वाली बात है, वो इस स्लाइड में आपको बता दिया जाएगा। ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन देख करनी है सेल्स जनरल, सिंगल इफेक्ट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जनरल, मींस के हमने डेबिट क्रेडिट नहीं कर एक ही चीज लिख देते। सेल्स जनरल को आफ्टर रेगुलर इंटरवल टोटल किया जाता है। अब टोटल करने के बाद या वीक और मंथ के बाद टोटल किया जाता है, वो आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। अभी हमने करना है क्या है कि जब आपने ट्रांसफर करना है इसको अकाउंट के अंदर, ये तो वो है ना आपके पास रजिस्टर है ना कि आपके एक अलग उधार का रजिस्टर रख लिया सिर्फ जहां पे उधार की सेल्स कर रहे हैं, आपने जब उसका टोटल कर लिया, अब टोटल करने के बाद आपको पता है जब भी आप किसी को उधार देते हैं, जब आप उधार देते हैं तो आपका वो जो जो लेने वाला होता है वो डेटर होता है, तो इस अकाउंट का जो टोटल होगा आपने उसका सारे का टोटल कर टोटल डेटर अकाउंट के अंदर डेबिट कर देना, क्योंकि ये सारी डेबिट एंट्री थी ना तो डेबिट साइड में एंट्री कर देना। और ये जब किसी को उधार सेल करते तो हम एंट्री कहाँ किया करते थे, क्रेडिट करते थे सेल अकाउंट को, इस वजह से डेबिट कर देते थे डेटर को, तो इस वजह से हमने ये वाली एंट्री सम करने के बाद
एंड एट द एंड ऑफ पीरियड, जैसे वीक का मंथ जो भी रखेंगे उसके बाद हमने ऐसे एंट्री कर देनी है। आगे चलते हैं टॉपिक परचेज जनरल। परचेज के अंदर वो आपकी परचेजेस होंगी जो आपने उधार पे ली हैं, और आपने सिर्फ उधार वाली इसमें परचेजेस डालनी है, जैसे जो चीजें आपने खरीदी है उसके अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो उसके अंदर आपने वो करने है। और आपने यहाँ पे सारी एंट्री ऐसे कर देनी, जैसे इधर से क्रेडिट की 2875 रुपये उठाए शहला के, और आपने इधर एंटर कर दिए, इंटर कर दिए, सारे इंटर कर दिए, ऐसे इनवाइस नंबर जिस इनवाइस के जरिए आपने उनको शैलो को सामान बेचा है, ठीक है, और या उससे खरीदा है, वो परचेज और सेल जनरल की बात है, ठीक है। परचेज है तो हमने पोस्ट रेफरेंस वो होता है कि जिसका रेफरेंस आपने यहाँ पे दिया हुआ है जर्नल का या लेजर का, वो फर्दर डिटेल आप जब पढ़ते जाएंगे तो पोस्ट रेफरेंस पे पेज नंबर सिर्फ होता है, ठीक है, ये याद रखिए। इम्पोर्टेंट टिप्स में बाकी सारी वही है जो हम बोल चुके हैं। इम्पोर्टेंट टिप तीसरी है, तीसरी ये है कि जब आपने देखे ये आपका जो क्रेडिट परचेजेस, जब आप परचेज करते हैं तो आपका एक क्रेडिटर होता है जिसको आपने पैसे देने होते हैं, तो आपने इसको टोटल करने के बाद आपने क्या करना है, आपका इफेक्ट क्या करना है, आपने क्रेडिट इफेक्ट आपने किसको देना है, क्रेडिटर को, क्रेडिटर एक अकाउंट बना के टोटल क्रेडिट अकाउंट में इसका सारा क्रेडिट कर देना है। और हम परचेज, क्योंकि आप जब भी चीजें परचेज करते हैं तो आपको परचेज अकाउंट में एक्सपेंस अपने डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो इसका सारा टोटल कर परचेज अकाउंट में डेबिट कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही बात जो मैं, ये क्रेडिट इफेक्ट जो है टोटल क्रेडिट अकाउंट को देना है, क्योंकि इसका टोटल जो है वो क्रेडिट को हमने देना होता है। सेल्स रिटर्न के अंदर जो आपने सेल किया उसको अगर कोई रिटर्न कर देता है, आप कुछ सामान बेचा आपने और आपने उसका कुछ सामान उसने कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया। अच्छा, जब आप रिटर्न करते हैं, फर्ज करें आप सेल रजिस्टर आपके पास एक ही है, तो आपने जब सेल करते हैं तो आप क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं, अगर सामान वापस आए तो आपके डेबिट साइड एंट्री कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे होता है ना से रिटर्न को। अगर अभी हमने क्या क्या रजिस्टर अलहदा रखा हुआ है, तो इसके अंदर हमने सिंपल एंट्री करते जा रहे हैं, उधार वाली ये गुड रिटर्न लिख के ना, इधर नाम लिख के, और इधर हम उनकी एंट्रीज करते रहे जा रहे हैं रुपीज के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये सारी हमारी रिटर्न हो जाएंगी, ये हमने अगर हमारे पास एक ही रजिस्टर होता तो हमने इसको उस रजिस्टर के अंदर मीन्स के सेल्स अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे एंट्री करनी थी, क्योंकि वापस जो आ गई है वैसे सेल क्रेडिट साइड पे होती है वापस, तो हमने क्या करना है, इसको उठाना है सारी अमाउंट को। और टिप जो है वो तीसरी ही इंपॉर्टेंट है कि हमने हमने जो सेल टोटल रिटर्न अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देना डेबिट अकाउंट डेटर अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो सेल को हमने, मुझे एक बार इधर वेरीफाई कर लेने दें कि ये यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, तो फिर ये एक मिनट मैं आपको इसकी टाइपिंग एरर पहले वेरीफाई कर लूँ, फिर मैं यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करूंगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, तो ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया। जैसे अब जब सेल करते हैं तो आपका डेटर होता है, डेटर के अकाउंट में आप डेबिट साइड पे एंट्रियां करते रहते हैं, अब ये डेटर ने आपको वापस कर दिया, तो आपने डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करना उतनी अमाउंट के साथ जितना उसने सामान वापस कर दिया, ठीक है, जहां तक हो गया। तो ये 6 और 7 पॉइंट मैंने रेड में इस वजह से लिखा कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब सेल होती है, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देना जब मतलब सामान वापस है, तो उसमें कमी लेके आनी उस अकाउंट में रिटर्न के ऊपर, तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक हो गया जनाब। टॉपिक का परचेज रिटर्न जनरल, इसके अंदर आखिरी टॉपिक स्टडी करते हैं। परचेज रिटर्न जनरल के अंदर क्या होता है कि आपने जो परचेजें की हैं आपने वापस कर दी हैं जिसे आपने खरीदी है, वही क्रेडिट ट्रांजेक्शन सिर्फ उधार वाली, ठीक है। अभी ये देखें गुड्स रिटर्न आपने मेगा पार्ट को, मेगा पार्ट, रॉयल क्लब, इसको जितनी जितनी अमाउंट से वापस किया आपने ऐसे लिख देनी, तो याद रखना है कि याद रखने वाली बात यह है कि आपने जो रिटर्न जर्नल है सेल का, परचेज का, रिटर्न का और परचेज रिटर्न का, आपने इसके अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखने होते, जस्ट आपने एक अमाउंट एंटर करनी, क्योंकि आपको पता ही है उस, एक तो उधार वाली है और आपको एक परचेज रिटर्न की उसकी नेचर का पता होता है। अभी जब ये परचेज आपने रिटर्न वापस करनी है, तो आप नॉर्मली के जब आप परचेज उधार पे लेते हैं तो आप क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब आपने उसको वापस करनी तो क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट कर देना है, ठीक है। आखिरी चौथे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट समझे, परचेज रिटर्न जनरल के अंदर ऑब्जेक्टिव मेनली इसके ऊपर अक्सर बना होता है कि परचेज रिटर्न जनरल से क्या होगा कि हमने डेबिट कर देना क्रेडिट अकाउंट को, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट को जब हम परचेज करते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर रहे होते हैं, अब उसमें कमी लेके आने, क्योंकि उसको सामान वापस किया तो हमने डेबिट साइड में एंट्री कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट है, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। इस मॉड्यूल को हमने 5 पार्ट में करना है, बहुत लेंथी मॉड्यूल है, 19 वीडियोस है, और मैंने स्पीड के साथ कोशिश कर रहा हूँ इसको कवर करने की ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, ठीक है। कोई भी किसी भी कंफ्यूजन के केस में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चलो उसको टेकअप करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।